हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये वीडियो बीए सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए है। इस वीडियो का टॉपिक है प्रेशर ग्रुप्स या दबाव समूह। इसे मैं दो पार्ट में बांटकर पढ़ाऊंगी। इस पार्ट में मैं दबाव समूह क्या है, इसकी क्या विशेषता है, इसकी उत्पत्ति के कारण कौन कौन से है तथा इसके प्रकार के बारे में बताऊंगी। तो आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि दबाव समूह का वर्णन कहाँ और किस किताब में मिलता है। द प्रेशर ग्रुप इज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड इन 1908 इन आर्थर बेंटलेज बुक द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इन अमेरिका। आफ्टर दिस इन 1936 द प्रेशर ग्रुप वॉज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड इन डीबी ट्रूमैन्स बुक द गवर्नमेंटल प्रोसेस। द बुक ऑफ बीओके पॉलिटिक्स पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप made a historical contribution to this context, as a result of which many scholars started looking towards this important field of study, which Professor S.E. Finer has dubbed the anonymous empire. Pressure groups are often called by different names, such as interest groups, informal organizations, and lobby groups, etc. Pressure groups is the most prevalent term among these groups. सबसे पहले 1908 में अमेरिका में आर्थर बेंटले की किताब द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट में प्रेशर ग्रुप का वर्णन मिलता है। इसके बाद 1936 में डीबी ट्रूमैन की किताब द गवर्नमेंटल प्रोसेस में भी दबाव समूह का वर्णन किया गया है। दबाव समूह पर जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वह है बीओके की पॉलिटिक्स पार्टीज एंड प्रेशर ग्रुप्स। इस ग्रंथ का दबाव समूह के संबंध में ऐतिहासिक योगदान रहा, जिसके परिणाम स्वरूप अनेक विद्वानों ने अध्ययन के इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की ओर देखना प्रारंभ कर दिया, जिसे प्रोफेसर एस.ई. फाइनर ने अज्ञात साम्राज्य की संज्ञा दी है। दबाव समूह को प्रायः विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, जैसे हित समूह, अनौपचारिक संगठन तथा दीर्घा समूह आदि। अब हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ प्रेशर ग्रुप्स। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं या दबाव समूह का क्या मतलब है? ऑल्दो देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी दैट आर क्रिएटेड टू कैटर टू द नीड्स ऑफ ए पर्टिकुलर क्लास, but not all of them can be classified as a pressure groups. In the context of pressure groups, it can be said that when an organization influences political power to fulfill the interest of its members and presses for their fulfillment, then that organization is called pressure groups. यद्यपि समाज में अनेक प्रकार के संगठन होते हैं जो कि वर्ग विशेष की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, लेकिन उन सभी को दबाव समूह की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। दबाव समूहों के संदर्भ में यह कहा जा सकता है कि जब कोई संगठन अपने सदस्य के हितों की पूर्ति के लिए राजनीतिक सत्ता को प्रभावित करता है और उनकी पूर्ति के लिए दबाव डालता है, तो उस संगठन को दबाव समूह कहते हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए हम कुछ परिभाषाओं को जान लेते हैं, जैसे मायरन विनर ने क्या कहा है प्रेशर ग्रुप्स के बारे में। द प्रेशर ग्रुप्स रिफर्स टू ए वॉलेंटरली ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी दैट आउटसाइड द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अटेम्प्ट्स टू इन्फ्लुएंसेस द फॉर्मेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द पब्लिक पॉलिसी। हित या दबाव समूहों से हमारा तात्पर्य शासन के ढांचे के बाहर स्वैच्छिक रूप से संगठित ऐसे समूहों से होता है जो प्रशासनिक अधिकारियों की नामजदगी और नियुक्ति, विधि निर्माण और सार्वजनिक नीति के क्रियान्वयन को प्रभावित करने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि दबाव समूह से तात्पर्य ऐच्छिक रूप से संगठित ऐसे समुदाय से है जो प्रशासकीय ढांचे से बाहर रहकर शासकीय अधिकारियों के निर्वाचन, मनोनयन तथा सार्वजनिक नीति के निर्माण एवं क्रियान्वयन को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है।
नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू बीओकी, हित समूह ऐसे असार्वजनिक संगठन है जिनका निर्माण सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने के लिए किया जाता है। ये प्रत्याशियों के चयन तथा सरकार के व्यवस्थापन के उत्तरदायित्व की अपेक्षा सरकार को प्रभावित करने का प्रयत्न करके अपने हित साधन में लगे रहते हैं। इंटरेस्ट ग्रुप्स आर सच नॉन पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस दैट आर क्रिएटेड टू इन्फ्लुएंस पब्लिक पॉलिसी। दे आर एंगेज्ड इन देयर ओन मीन्स ऑफ इंटरेस्ट बाय ट्राइंग टू इन्फ्लुएंस द गवर्नमेंटल रेदर देन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट। इस प्रकार इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि दबाव समूह का संबंध ऐसे गुटों से है जो शासन पर अधिकार किए बिना विधायकों और प्रशासकों की नीति तथा कार्य को प्रभावित करते हैं। दबाव समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करते हैं तथा इनका संबंध विशिष्ट मसलों से होता है। ये राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और न ही ये चुनाव में भाग लेते हैं। अगला जो पॉइंट है वह है हमारा कि फीचर्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह के लक्षण या विशेषताएं। दबाव समूह के निम्नलिखित लक्षण या विशेषताएं हैं, जैसे पहला है लिमिटेड पर्पज, सीमित उद्देश्य। दबाव समूहों का उद्देश्य सदैव सार्वजनिक हित के स्थान पर अपने सदस्यों का हित या कल्याण करना होता है। जब उनका उद्देश्य प्राप्त हो जाता है तो वे समाप्त हो जाते हैं या निर्जीव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज लिमिटेड मेंबरशिप, दबाव गुटों का उद्देश्य सीमित होता है। किसी वर्ग विशेष के हितों की रक्षा और पूर्ति करना इनका उद्देश्य होता है, इसलिए उनकी सदस्यता भी सीमित होती है। उदाहरण के लिए अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की सदस्यता मात्र श्रमिक वर्ग को ही प्राप्त है। नेक्स्ट इज यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स, संवैधानिक एवं असंवैधानिक साधनों का प्रयोग। दबाव गुट अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संवैधानिक साधनों या असंवैधानिक साधनों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार करते हैं। उनका उद्देश्य पूरा होना चाहिए, चाहे उनके साधन उचित हो या अनुचित हो, पवित्र हो या अपवित्र हो, संवैधानिक हो या असंवैधानिक हो, इसकी चिंता वो कभी नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज इनडायरेक्ट रोल इन पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, राजनीति और प्रशासन में परोक्ष भूमिका। दबाव समूह न तो शासन में भागीदार होते हैं, न तो चुनाव में भाग लेते हैं, न विधानमंडल में आना चाहते हैं, परंतु उसके बिना ही वे अपनी नीति के लिए बाहर से विधायकों को प्रभावित करते हैं। वे शासन के उत्तरदायित्व से दूर रहकर दबाव की नीति में विश्वास करते हैं। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइज्ड एज फॉर्मल आर इनफॉर्मल, संगठित या असंगठित स्वरूप। दबाव गुटों का स्वरूप संगठित भी हो सकता है और असंगठित भी। उनकी कार्यप्रणाली गुप्त और रहस्यमय होती है, इसलिए इन्हें अज्ञात साम्राज्य भी कहा जाता है। नेक्स्ट इनडेफिनिट टेन्योर, अनिश्चित कार्यकाल। दबाव समूह बनते और समाप्त होते रहते हैं। किसी हित विशेष की पूर्ति के लिए अस्तित्व में आने के कारण हित की पूर्ति के साथ ही इनका समाप्त हो जाना भी स्वाभाविक है। नेक्स्ट है यूबिक्विटस नेचर, सर्वव्यापक प्रकृति। दबाव समूह सभी प्रकार की राजनीतिक व्यवस्थाओं में पाए जाते हैं, यहाँ तक कि सर्वाधिकारवादी और स्वेच्छाचारी राज व्यवस्थाओं में भी दबाव समूह होते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट इज बेसिस ऑफ फॉर्मेशन सेल्फ इंटरेस्ट, निर्माण का आधार स्वहित है। दबाव समूहों का निर्माण स्वहित के लिए होता है। दबाव समूह का संबंध सदैव अपने वर्ग के सदस्यों के हितों से होता है, उनकी रक्षा और पूर्ति ही उनके जीवन मरण का प्रश्न होता है।
अब हम बात करेंगे कि दबाव समूह की उत्पत्ति के कारण क्या है, किन कारणों से इनकी उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहला जो कारण है वह है द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन, औद्योगिक सभ्यता का विकास। औद्योगिक सभ्यता ने अनेक नए उद्योगों, पेशों, कारखानों को जन्म दिया है। अतः समाज के सदस्य विभिन्न वर्गों एवं समूहों में बट गए हैं। प्रत्येक समूह या वर्ग अपने हितों की रक्षा, उनकी वृद्धि और पूर्ति चाहता है, परंतु यह संभव नहीं कि प्रत्येक वर्ग शासन पर अपना अधिकार कर ले। इसलिए वह अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए अप्रत्यक्ष रूप से दबाव समूह के माध्यम से अपना कार्य करता है। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द वर्क ऑफ द स्टेट, राज्य के कार्यों में वृद्धि। औद्योगिक सभ्यता के विकास के साथ साथ राज्य के कार्यों में भी वृद्धि हुई है। राज्य का कार्य क्षेत्र राजनीतिक दायरे में ही सीमित न रहकर आर्थिक जीवन, सामाजिक जीवन में पूरी तरह छा गया है। राज्य का स्वरूप कल्याणकारी हो गया है। ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक और आवश्यक है कि विभिन्न हितों के लोग अपने अपने हितों की पूर्ति करने के लिए दबाव गुटों का गठन करें, जिससे राज्य की नीति और कार्यों को अपने पक्ष में किया जा सके। नेक्स्ट, प्रैक्टिकल नेचर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र का व्यवहारिक स्वरूप। सिद्धांत में यह भी आशा की गई थी कि लोकतंत्र में जनता, राजनेता और राज्य के कर्णधार संपूर्ण समाज के हितों के लिए कार्य करेंगे, लेकिन व्यवहार में यह संभव नहीं हुआ। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति, वर्ग और समूह अपने स्वार्थों को ध्यान में रखकर कार्य करता है। अतः प्रत्येक राज्य में विभिन्न हितों का संघर्ष और प्रतिस्पर्धाओं का दौर चलता रहता है। ऐसी स्थिति में इन वर्गों के हितों की रक्षा के लिए दबाव समूह का संगठन आवश्यक है। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल नेचर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, राजनीतिक दलों का व्यवहारिक स्वरूप। राजनीतिक दलों की कार्य प्रणाली भी दबाव समूह के जन्म के लिए जिम्मेदार है। राजनीतिक दलों के हित सार्वजनिक होते हैं, वे शासन पर अधिकार करना चाहते हैं, इसलिए वे कुछ विशिष्ट वर्गों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं, और यदि करते हैं तो शासन में नहीं आ सकते हैं। इसलिए वे विशिष्ट हितों और समस्याओं पर ध्यान नहीं दे सकते। इसी कमी को पूरा करने के लिए दबाव समूहों का पनपना स्वाभाविक है। नेक्स्ट, टेरिटोरियल इलेक्शन सिस्टम, प्रादेशिक निर्वाचन प्रणाली। विधानमंडलों के लिए निर्वाचन प्रादेशिक आधार पर किया जाता है, परंतु मतदाताओं के हित भौगोलिक हितों के अतिरिक्त अन्य हितों से, जैसे व्यावसायिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, आर्थिक आदि से जुड़े रहते हैं। एक ही व्यवसाय के लोग राज्य भर में होते हैं। इस प्रकार के लोगों को प्रादेशिक प्रतिनिधित्व से लाभ नहीं होता है। अतः अपने व्यवसाय के आधार पर उन्हें अपने हितों के रक्षा के लिए दबाव गुटों के रूप में संगठित होना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट इज इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्रोफेशनल पॉलिटिशियंस। प्रत्येक देश में बरसाती मेंढकों की तरह पेशेवर राजनीतिक पैदा हो रहे हैं। जो व्यक्ति किसी उद्योग धंधे, काम या व्यवसाय को परिश्रम, धैर्य और लगन से नहीं कर पाते हैं, उनके लिए राजनीति सबसे अच्छा धंधा है। आज राजनीति का महत्व भी बढ़ गया है, इसलिए कुछ व्यक्ति इसमें आना चाहते हैं। ऐसे व्यक्ति अवसरवादी होते हैं, उन्हें किसी वर्ग व्यवसाय से लगाव नहीं होता है। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ प्रेशर ग्रुप्स, दबाव समूह का वर्गीकरण या प्रकार। आज विश्व के सभी देशों में दबाव समूहों की संख्या इतनी अधिक है कि उनका वर्गीकरण करना कठिन हो गया है। इनमें से आकार, उद्देश्य, प्रकृति की दृष्टि से सभी दबाव समूह अलग अलग भागों में बांटे जा सकते हैं। रॉबर्ट सी बोन का वर्गीकरण है, ब्लांडेल का, आमंड का, फेडरिक का, जिनको हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं। ऑल प्रेशर ग्रुप्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स इन टर्म ऑफ साइज, पर्पस एंड नेचर। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्लांडेन, ब्लांडेन ने दबाव समूहों के को निर्माण के प्रेरक के तत्व के आधार पर दो भागों में बांटा है। उसमें पहला है कम्युनल प्रेशर ग्रुप, सांप्रदायिक दबाव समूह, दूसरा है
एसोसिएटिव प्रेशर ग्रुप, साहचर्य दबाव समूह। सांप्रदायिक दबाव समूह सामाजिक संबंधों के आधार पर बनते हैं। इनके निर्माण में परिवार, प्रगति, धर्म, वर्ग आदि तत्वों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे समूहों की सदस्यता जन्म से ही प्राप्त होती है। ब्लांडिन ने कम्युनल प्रेशर ग्रुप को दो भागों में बांटा है। उसमें पहला है कस्टमरी प्रेशर ग्रुप और दूसरा है इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। कस्टमरी यानी प्रथागत दबाव समूह और इंस्टीट्यूशनल मीन्स संस्थागत दबाव समूह। तो कस्टमरी प्रेशर ग्रुप्स क्या है, प्रथागत दबाव समूह प्रथाओं, रीति रिवाजों और रूढ़ियों पर आधारित होते हैं। ये प्रथागत दबाव समूह जो है कि प्रथाओं पर, रीति रिवाजों और रूढ़ियों पर आधारित होते हैं। भारत में ऐसे ही दबाव समूह है। जब एक धर्म और जाति के लोग औपचारिक रूप से संगठित होकर संस्था का निर्माण कर लेते हैं तो उसे संस्थागत दबाव समूहों का जन्म होता है। भारत में जाति व धर्म के आधार पर अनेक दबाव समूह सरकार की नीति को प्रभावित करते हैं। ब्लांडिन ने दबाव समूह का जो दूसरा प्रकार बताया है वह है साहचर्य दबाव समूह या एसोसिएटिव प्रेशर ग्रुप। इस प्रकार के दबाव समूहों का लक्ष्य विशिष्ट होता है। औद्योगिक विकास के साथ साथ ऐसे दबाव समूहों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। इन समूहों का विशिष्ट लक्ष्य साधन के रूप में राजनीतिक व्यवस्था में इनकी मांगों को प्रवेश कराने में समर्थ होता है। यह दबाव समूह सांप्रदायिक दबाव समूहों से सदस्यता की प्रेरणा के दृष्टिकोण से अलग होता है। एसोसिएटिव प्रेशर ग्रुप्स भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रोटेक्टिव प्रेशर ग्रुप और दूसरा इनकरेजिंग प्रेशर ग्रुप। प्रोटेक्टिव यानी संरचनात्मक दबाव समूह और इनक्रेजिंग प्रेशर ग्रुप मतलब उत्थानात्मक दबाव समूह। जो प्रोटेक्टिव प्रेशर ग्रुप किसको बोलते हैं, संरचनात्मक दबाव समूह अपने सदस्यों के सामान्य हितों की रक्षा करता है, जबकि इनक्रेजिंग प्रेशर ग्रुप जो है उत्थानात्मक दबाव समूह विशिष्ट लक्ष्यों के साथ जन्म लेता है। गौ संरक्षण संघ, नारी स्वतंत्रता संघ इसके प्रमुख उदाहरण है। श्रमिक कल्याण संघ संरचनात्मक दबाव समूह का, हरिजन सेवक संघ प्रथागत समूह का तथा सैनिक कल्याण परिषद संस्थात्मक दबाव समूह का प्रमुख उदाहरण है। अब हम बात करेंगे आलमंड ने जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया है उसके बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ आलमंड। तो उसमें सबसे पहला जो है वह है इंस्टीट्यूशनल यानी संस्थात्मक, दूसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव यानी प्रदर्शनात्मक, तीसरा है एसोसिएशनल यानी समुदायात्मक और चौथा है नॉन एसोसिएशनल यानी असमुदायात्मक। तो सबसे पहले हम संस्थागत दबाव समूह के बारे में बात करेंगे। संस्थागत दबाव समूहों में आमंड ने उनको लिया है जो किसी राजनीतिक दल या अन्य समान हितों वाले वर्गों का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। भारत में संसद, नौकरशाही तथा राजनीतिक दलों में ऐसे ही समूह पाए जाते हैं। इसका उद्देश्य सामाजिक और राजनीतिक हितों की पूर्ति करना होता है। ये दबाव समूह विकसित देशों में अधिक पाए जाते हैं। मजबूत संगठन के स्वामी होने के कारण ये हितों का स्पष्टीकरण करने में अधिक सफल रहते हैं। अब जो इसका दूसरा प्रकार है वह है प्रदर्शनात्मक दबाव समूह। प्रदर्शनात्मक दबाव समूह जो भीड़, जुलूस, दंगों, धरनों, हड़तालों आदि के रूप में अचानक ही राजनीतिक व्यवस्था में प्रवेश कर जाते हैं। इन्हें चमत्कारिक दबाव समूह भी कहा जाता है। ये दबाव समूह अस्त व्यस्त प्रकृति के होते हैं। ये शासन तंत्र को भ्रमित करके अपने हितों की प्राप्ति करने में सफल व असफल दोनों ही हो सकते हैं। भारत, फ्रांस, इटली आदि देशों में इनका बहुत प्रभाव है। जो तीसरा इसमें दबाव समूह है वह है सहचारात्मक दबाव समूह, एसोसिएशनल प्रेशर ग्रुप्स।
इस प्रकार के समूह विशेष व्यक्तियों के हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए औपचारिक रूप से संगठित होते हैं। श्रमिक संघ, व्यापारिक संघ इस प्रकार के ही दबाव समूह हैं। इस प्रकार के दबाव समूह नियमों पर आधारित होते हैं और अपने हितों की प्राप्ति के लिए विधि सम्मत प्रक्रिया को अपनाते हैं। भारत व अमेरिका में इस प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं। आमंड ने जो अंतिम दबाव समूह बताया है वो है नॉन एसोसिएशनल, असमुदायात्मक या असाहचर्य दबाव समूह। इनका जन्म धर्म, रक्त संबंध, वंशानुगत या हित संचार आदि तत्वों के आधार पर होता है। ये दबाव समूह धार्मिक नेताओं, विशिष्ट व्यक्तियों आदि द्वारा संगठित व असंगठित होते रहते हैं। इनकी प्रमुख विशेषता यह होती है कि ये हितों के साधन का काम लगातार न करके समय समय पर करते हैं। आधुनिक युग में इनका महत्व बहुत अधिक नहीं है, अर्थात सीमित है। अब जो नेक्स्ट वर्गीकरण है वह रॉबर्ट सी बोन का है, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉबर्ट सी बोन। इसमें पहला है सरकमस्टेंशियल एंड दूसरा है एटीट्यूडनल, यानी परिस्थिति जन्य दबाव समूह और अवृत्ति जन्य दबाव समूह। तो परिस्थिति जन्य दबाव समूहों का उद्देश्य अपने सदस्यों की वर्तमान आर्थिक और सामाजिक व्यवस्थाओं को सुधारना होता है। इनकी प्रकृति विशिष्ट होती है और ये अपने सदस्यों के हितों को साधने के लिए वैधानिक प्रक्रिया का ही सहारा लेते हैं। इनका उद्देश्य दीर्घकालीन हितों को प्राप्त करना होता है। और जो दूसरा दबाव समूह है वो है एटीट्यूडनल प्रेशर ग्रुप्स, यानी अवृत्ति जन्य दबाव समूह। इस प्रकार के दबाव समूह कुछ मूल्यों पर आधारित होते हैं। ये समूह परिस्थिति जन्य समूहों से अलग होते हैं। इनका उद्देश्य सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करना है। इसके लिए ये शांतिपूर्ण तथा क्रांतिकारी दोनों ही साधनों का प्रयोग करते हैं। ये अपने लक्ष्यों को तेज गति की तकनीकों का प्रयोग करके कम समय में ही प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं। जो अगला वर्गीकरण है वो कार्ल फ्रेडरिक का वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन ऑफ कार्ल फ्रेडरिक। तो इसमें उन्होंने दो प्रकार के दबाव समूह बताए। एक तो है जनरल, जो कि सामान्य दबाव समूह, और दूसरा है स्पेसिफिक, विशिष्ट दबाव समूह। जो दबाव समूह सामान्य लक्ष्यों को लेकर चलते हैं वे सामान्य दबाव समूह कहलाते हैं, और जिनके हित लक्ष्य विशिष्ट प्रकार के होते हैं वे विशिष्ट दबाव समूह कहलाते हैं। उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर कहा जा सकता है कि रॉबर्ट सी बोन का वर्गीकरण सामान्य होते हुए भी दबाव समूहों की प्रकृति, संगठन, उद्देश्यों तथा कार्यविधि को स्पष्ट करने वाला महत्वपूर्ण वर्गीकरण है। यह वर्गीकरण अन्य की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। यह वर्गीकरण अपने आप में कुछ विशेष प्रकार के गुण लिए हुए हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि आमंड का वर्गीकरण, फ्रेडरिक का और ब्लांडेल का वर्गीकरण कोई महत्व नहीं रखता है। ये सभी वर्गीकरण कुछ न कुछ महत्व अवश्य